मुझे चाहिए पूरी पृथ्वी अपनी वनस्पतियों, समुद्रों और लोगों से घिरी हुई। एक छोटा सा घर काफी नहीं है। एक खिड़की से मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए पूरा का पूरा आकाश अपने असंख्य नक्षत्रों और ग्रहों से भरा हुआ। इस जरा सी लालटेन से नहीं मिटेगा मेरा अंधेरा। मुझे चाहिए एक धधकता हुआ ज्वलंत सूर्य। थोड़े से शब्दों से नहीं बना सकता मैं कविता। मुझे चाहिए समूची भाषा, सारी हरितिमा पृथ्वी की, सारी नीलिमा आकाश की, सारी लालिमा सूर्य की। ये कविता है अशोक वाजपेयी जी की, जो साहित्य तक के बातें मुलाकात के कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि हैं। अशोक जी के परिचय के बारे में मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। साहित्य में रुचि रखने वाले, हिंदी साहित्य को समझने वाले, भारतीय कला, कविता, संस्कृति, आलोचना, सभ्यता को समझने वाले लोगों में वे अग्रणी पायदान पर खड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैं अपने पाठकों को, ये श्रोताओं को यह बताना चाहता हूं कि ये एक बेहद अनौपचारिक बातचीत है हमारी। अशोक जी कला जगत, साहित्य जगत, प्रशासनिक सेवा, शिक्षा जगत, अकादमिक, यहाँ तक कि मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी पक्षधरता पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जानी और पहचानी है। उसके लिए मैं कुछ अलग से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा, शुरुआत हम आपके बचपन से करेंगे, आपके गांव से। जब मध्य प्रदेश, तत्कालीन मध्य प्रदेश, अब तो छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, जहां आप पैदा हुए, आपने अपने जीवन की शुरुआत किस रूप में देखी, कैसा माहौल था, गांव क्या था, और वहां से आपकी यात्रा, पहले आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी बचपन की बदमाशियों या बचपन का सलीका, हालांकि बच्चे सारे बदमाश होते हैं, मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगा, आपको अतीत में ले जाना चाहूंगा, आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बे। देखिए, जन्म तो मेरा दुर्ग नामक शहर में हुआ, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है, अब मध्य प्रदेश। मेरे नाना वहाँ एक अधिकारी थे और मेरी माँ चूंकि उनकी सबसे बड़ी संतान थी, तो उन दिनों ये परंपरा थी या प्रथा थी कि बेटी की पहली प्रसूति मायके में ही होती थी। तो मैं अपने माता पिता का पहली संतान था, तो वो वहाँ गई थी और मेरा जन्म वहाँ हुआ था, लेकिन उसकी मुझे कोई याद नहीं है। मेरी याद शुरू होती है सागर जिले के एक तहसील थी कुरई, और कुरई नाम का एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ हमारे नाना अधिकारी थे, वही नाना जिनके घर में मेरा जन्म दुर्ग में हुआ। पहली दूसरी कक्षा स्कूल की मैंने वहीं पढ़ी, कुरई शहर। उसकी कुछ सड़कें, कोई अखाड़ा, वहाँ एक मंदिर था जो हमारे जहाँ रहते थे उसी के बगल में एक जैन मंदिर था, लेकिन कस्बे में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था जो एक तरह के सरोवर के बीच में था। ये सब तो यादें हैं, लेकिन इसके अलावा पहली दूसरी कक्षा में कौन था क्या था मुझे ठीक से अब याद है। तीसरी चौथी कक्षा, तीसरी तक मेरे पिता सागर में आ गए थे और हम लोग सागर आ गए, तो वहाँ एक पहले थाना था जो उसको एक स्कूल में बदल दिया गया था, क्योंकि वो लाल रंग का था, लाल स्कूल कहलाता था। वहाँ मेरे अध्यापक थे दशरथ लाल असाटी, और हमारा परिवार उस मोहल्ले में एक प्रतिष्ठित और संभ्रांत और शिक्षित परिवार था, तो उस परिवार के होने के नाते बाकी छात्रों से तो वो अपने घर में भी कुछ कुछ कपड़े धुलवा लेते थे या कुछ और सफाई वफाई करवा लेते थे, पर मुझे उन्होंने ऐसा करने का कभी प्रयत्न नहीं किया।
उन दिनों प्राइमरी स्कूलों में बेंचें नहीं होती थी, नीचे टाटपट्टी होती थी, उसी पर हम लोग बैठते थे। तो उन दिनों प्राइमरी स्कूल 4 क्लास का होता था। वहां से उसके बाद हमारे हम लोग गोपालगंज मोहल्ला था सागर में, वहां रहते थे। उसी के थोड़ा आगे करीब हमारे घर से 1.5 किलोमीटर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला थी। तो हम फिर वहां आ गए 5वीं क्लास। तो संयोग यह हुआ कि 6वीं क्लास में जब हम थे, यानी 1950 में, तब हमारे पिता सागर विश्वविद्यालय के अधिकारी थे। एक घटना मुझे इसलिए याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जनवरी 1950 में सागर विश्वविद्यालय का दीक्षांत भाषण देने आए, और वो सर्किट हाउस में रुके थे। सर्किट हाउस हमारे घर के बहुत पास था, और सबको ये मालूम था कि वो राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। तो ये थोड़ी उत्सुकता थी राष्ट्रपति को नजदीक से देखने की। तो मैंने अपने पिता से आग्रह किया, और वो मुझे, चूंकि वो उनकी देखभाल कर रहे थे विश्वविद्यालय की ओर से, तो हम लोग सर्किट हाउस में, वो सर्किट हाउस में जिस कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रुके थे वो खाली था। पता किया तो वो वहाँ बगीचे में बैठे। हम लोग जब वो बगीचे में पहुंचे, देखा वो अपनी एक जैकेट को के बटन को सुई धागा लेकर ठीक कर रहे थे। और उन्होंने मेरे पिताजी को संबोधित करते हुए कहा कि परमानंद, मुझे अभी देखा मैंने कि ये बटन झूल गया है। मैंने सोचा कि दीक्षांत भाषण में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको ठीक कर रहा। अब एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति होने जा रहा है 10-15 दिन बाद, वो अपनी जैकेट का बटन लगा, इससे मेरे मन में एक छवि बनी कि मतलब ऐसी सादगी से भी बहुत बड़ा हुआ जा सकता है। बहरहाल 8वीं क्लास में ही मैंने पहली कविता तुकबंदी लिखी, वो पहले गणतंत्र दिवस की अभ्यर्थना में थी। याद बात तो नहीं है आपको? कविता याद नहीं है? नहीं, याद नहीं। और उस समय साहित्य का मतलब होता था बच्चों के लिए जो पुस्तकें प्रकाशित होती और कम दाम में मिलती भी थी। तो मुझे ये बच्चों की किताबें खरीदने का शौक था, और चाट खाने का भी शौक था जो शहर में बीती थी। लेकिन घर में मान्यता थी कि चाट वाट नहीं खाना चाहिए, तो मैं अपने नाना की जेब से रुपए चुराता था। वो वकील थे रिटायर होने के बाद, और वो अपना काला कोट आखिर उतार के जब हाथ पाँव धोने चले जाते थे, तो चुपके से 10 रुपए का एक या 5 रुपए का नोट निकाल देता था। धीरे धीरे उनको ये पता चल गया कि मैं चुरा लेता हूँ, तो फिर वो अलग से निकाल के रख ही देते थे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो उससे दो काम होते थे, एक चाट खाते थे, एक बच्चों की जो किताबें थी वो खरीदते थे। तब तक उन दिनों पता नहीं कैसे कुछ गद्य गीत का चलन हिंदी में, और मैंने भी एक गद्य गीत लिखा रविंद्रनाथ की कुछ कविताओं के गद्यानुवाद देखे थे कहीं, तो मैंने सोचा ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ, तो मैंने भी एक लिखा। तो ग्वालियर से एक भारती नाम की पत्रिका निकलती थी, वहाँ एक बड़े दुभट विद्वान थे और वकील भी थे हरिहर निवास द्विवेदी, वो पत्रिका निकालते। तो जब मैं 8वीं क्लास में था, तो ऊपर दिनकर जी का गीत छपा और नीचे मेरा गद्य गीत छपा। उससे एक तरह की मेरे मन में आश्वस्ति आ गई कि मुझे बच्चों के लिए नहीं लिखना है, मैं वयस्कों के लिए लिख सकता।
तो मैं इस बात को थोड़ा छिपाता था, मतलब तो अपनी ओर से इसको बहुत जाहिर नहीं होने देता था कि मैं छात्र हूँ इत्यादि। और उन दिनों मुझे चिट्ठियां लिखने का बड़ा शौक चल रहा है। एक चिट्ठी मैंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी, एक चिट्ठी प्रेसिडेंट ट्रूमन को लिखी। और आप सोचिए कि क्या समय था, प्रेसिडेंट ट्रूमन के प्रेस सेक्रेटरी ने मुझे जवाब दिया और उत्तर में बहुत बड़ी संख्या में नक्शे भेजे संसार भर के देशों, एक पूरा बड़ा पार्सल स्कूल में आया। और जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि मैंने कुछ शांति आंति के बारे में कुछ कहा था कि युद्ध बंद होना चाहिए और शांति के लिए प्रयत्न होना चाहिए, कुछ कुछ बातें कही थी। तुम्हारा तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, इनसे अभी तो रहने दो, अभी तुम अपना ध्यान पढ़ने पर लगाओ। नवीं कक्षा में, असल में नवीं कक्षा मेरे लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुई, क्योंकि उस समय एक नए अध्यापक आए हमारे स्कूल में, उनका नाम था लक्ष्मीधर आचार्य। वो आते थे क्लास में बिना पुस्तक के और पूछते थे कि काहे का पीरियड, तो वो इतिहास, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, बंगला, मराठी के अनेक विषय पढ़ाते थे, लेकिन किसी भी क्लास में, किसी भी पीरियड में उनके हाथ में किताब नहीं होती। उनको सब कुछ जैसे जुबानी याद था। पूछते थे कि इतिहास में क्या हुआ, कहते थे कि पिछली बार हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो आगे संस्कृत में कोई श्लोक बताते थे, तो आगे अंग्रेजी में कोई। उनसे मेरी कुछ निकटता हुई और शाम को तो उनके साथ हमने टहलना शुरू किया, जिनसे वो बहुत बातें बताते। उन्हीं के साथ मैंने पहली बार घर से बाहर किसी होटल, वो तो होटल कहलाते थे जिसको आजकल हम रेस्तरां कहते हैं या ढाबा कहते हैं, उसमें चाय पी, पहली बार बाहर समोसा खाया, पहली बार फिल्म देखी, पहली बार शास्त्रीय संगीत सभा सुनी इत्यादि। और उन्होंने मुझे हमारे स्कूल के अहाते में ही जिला पुस्तकालय था, और उन दिनों उसमें कल्पना पत्रिका आती थी जो हैदराबाद से, उसके संपादक उन दिनों भवानी प्रसाद मिश्र, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वहां जाके पढ़ा करो। तो नए साहित्य से थोड़ा मेरा परिचय शुरू हुआ कल्पना के माध्यम से। नवीं कक्षा समाप्त होने पर मेरा और मेरे छोटे भाई अरुण का उपनयन संस्कार हमारे पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में राजापुर गढ़ेवा में हुआ। तो वहां हम लोग तो पहले चले गए, हमारे पिता बाद में आए। तो वो अपने साथ पुस्तकों का एक पैकेट लाए जो उपहार के स्वरूप हमारे गुरु लक्ष्मीधर आचार्य ने भेजा। उसमें शेखर जीवनी के दो भाग, अके का दिनों प्रकाशित कविता संग्रह हरी घास पर क्षण भर, रवींद्रनाथ की गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद और स्वर्ण धूल और स्वर्ण शिखर सुमित्रानंदन पंत के दो कविता संग्रह। तो मेरी उम्र 13 बरस की हुई थी, 14 बरस की, तो मैंने ये सब पढ़ा। तो उससे कुछ साहित्य में करने की जो छटपट रहा, उन्हीं दिनों सार्वजनिक वक्तव्य देने की लत पड़ी, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, मॉक पार्लियामेंट वगैरह में। तो खैर 2 बरस। मैं ये कह रहा हूँ कि 10वीं तक जाते जाते आप जो बता रहे हैं, आपकी साहित्यिक अभिरुचियां लगभग स्पष्ट हो चुकी थी
और रुझान भी, और आप उसमें आकंठ डूब भी रहे थे, आपको अवसर भी मिला था। फिर आप साहित्य से, साहित्य की पढ़ाई से प्रशासनिक सेवा की तरफ कैसे रुझान? नहीं तो उसका भी एक छोटा सा इतिहास है। हुआ ये कि जब दसवीं कक्षा पास हो गए तो आचार्य जी का तबादला हो गया, तो हम लोग बहुत ही दुहल हुए, रोते गाते रहे। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि देखो तुम्हारा परिवार तो प्रशासकों का है, तुम्हें आना तो भारतीय प्रशासन सेवा में चाहिए, तो मरना कवि की तरह। अब एक तरह से दो लक्ष्य उन्होंने मेरे लिए निर्धारित कर दिए। 11वीं कक्षा में पहुंचने पर हम लोगों के स्कूल की जो हस्तलिखित पत्रिका निकलती भूमि के संरक्षण में, और मेरी बड़ी बहन उसकी संपादिका होती थी, वो स्कूल खत्म चली गई तो मेरे ऊपर उसके संपादन का भार आया। तो मैंने ये तय किया कि इसको छपा कर निकालेंगे हस्तलिखित में। तो पहली बार हमारे स्कूल की वार्षिक पत्रिका अनामिका मेरे संपादक में छप कर निकली। तो एक तरह से एक तीसरा व्यसन जो मेरा जीवन भर रहा है पत्रिकाएं निकालने का, उसकी भी शुरुआत हो गई। वैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और नवीं कक्षा के बाद हमारे यहाँ ऐसा कुछ विकल्प था कि या तो आप हिंदी लीजिए या संस्कृत। तो मैंने सोचा हिंदी तो मातृभाषा है, संस्कृत ली जाए, तो मैंने संस्कृत ली। फिर हायर सेकेंडरी इम्तहान में मध्य प्रदेश में मेरा नंबर कहते हैं मेरिट सूची में 7वां था और हर एक विषय में डिस्टिंक्शन मिला था। उन दिनों सागर विश्वविद्यालय में प्री यूनिवर्सिटी साइंस कोर्स होता था, क्योंकि स्कूल 11वीं कक्षा तक होता। तो मैंने साइंस में दाखिला लिया। वहाँ भी तब तक ये जो रुचियाँ थी, और उन दिनों हमारे एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे रमेश दत्त दुबे, दुर्भाग्य से उनका देहावसान हो गया, वो सागर के ही थे और सागर में ही रहे आए। बाकी हमारे मित्र सब सागर से बाहर भी निकल गए मेरे को मिलाकर, लेकिन वो ऐसे थे जो सागर में ही बने रहे। उनसे मेरी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और हम लोग रोज मिलते थे। मतलब शहर में किसी ने हमको सार्वजनिक रूप से अकेले देखा ही नहीं, हम लोग हमेशा ही साथ होते। तो उन दिनों हम लोगों ने, हरिशंकर परसाई ने वसुधा नाम की पत्रिका निकालना शुरू किया जबलपुर से, और वो उसके लिए कुछ अग्रिम चंदा जमा करने, राशि जमा करने सागर आए। तो उनसे पहली मुलाकात हुई। ये कहना चाहिए कि जो पहला महत्वपूर्ण लेखक जिससे हम मिले जिंदगी में वो हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई अध्यापक थे किसी स्कूल में जबलपुर में, और वसुधा का कोई कार्यालय इत्यादि तो था नहीं। वो एक पान की दुकान में आकर बैठते थे उसके ठेले पर, तो वहीं बेंच पर बैठकर वसुधा की डाक निपटाते। तो उन दिनों जो युवा कवि होते थे वो अपनी कविताएं पता लिखा लिफाफा और टिकट तार भेजते थे, ताकि अगर संपादक को वो पसंद ना आए तो वो वापस कर बजाय रद्दी की टोकरी में फेंकने। तो मैंने कुछ नए ढंग की कविताएं लिखी। आरंभिक प्रभाव उस समय तक एक तरह से भवानी प्रसाद मिश्र का था और कुछ कुछ अज्ञेय का। तो वो कविताएं गईं, विश्वविद्यालय में पहला वर्ष था, तो वो लिफाफा इस पे मैंने अपना ही पता लिखा था और टिकट लगाई थी, वो वापस आया, बहुत हल्का था। तो मैंने बहुत मतलब उत्सुकता से खोला, तो उसके अंदर
दोनों बीड़ी के कट्टे जो थे वे खाकी रंग के कागज में लपेटे होते थे, तो उसमें से एक छोटा सा यानी एक जरा सी चिटनुमा कागज जिसमें कत्थे का निशान भी था, उस पर परसाई जी ने पूछा शाबाश कविताएं वसुधा में जाएंगी। तो ऐसे 16-17 वर्ष के थे हम। तब वहाँ सागर विश्वविद्यालय में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और हिंदी के मूर्धन्य आलोचक थे, और कम से कम तब उनका रुख उस समय नई कविता नई प्रवृत्तियों के प्रति बहुत अनुकूल नहीं था। तो एक वर्ष साइंस में मैं पढ़ा, फिर उसमें मैंने टॉप किया, और फिर ये निश्चय किया कि अगर प्रशासनिक सेवा में जाना है तो साहित्य में रहना है तो ये साइंस में काम नहीं चलेगा, तो मैं आर्ट्स फैकल्टी में चला गया। इसी समय सागर में चार पांच मित्रों की एक लेखक मित्रों की मंडली सी विकसित हो गई, इसमें रमेश दत्त दुबे थे, जितेंद्र कुमार थे, मैं था, प्रबोध कुमार थे जो सागर विश्वविद्यालय के छात्र थे, आग्नेय जो भी सागर विश्वविद्यालय के छात्र थे, और राजा दुबे और एक उमाशंकर पांडे। ये सब लोग ऐसे थे जो नए किस्म की कविता लिखने की कोशिश कर रहे थे, नए किस्म का। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक पत्रिका क्यों ना निकालें। तो 1958 में समवेत पत्रिका का पहला अंक निकला और 1959 में दूसरा, दो अंक उसमें निकले, और उसमें अगे शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव बोध, नागार्जुन, भवानी साधक, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, निर्मल वर्मा, शानी, प्रबोध कुमार, आप नाम दीजिए उस समय के जितने प्रसिद्ध लेखक थे, उन सब की कविताएं या रचनाएं उन दो अंकों में प्रकाशित। आज जब मैं सोचता हूँ कि इतने सारे लोगों ने, हम लोग तो अज्ञात कुलशील थे, थोड़ी बहुत कविताएं इधर उधर छप चुकी थी, लेकिन फिर भी इतना व्यापक सहयोग क्यों मिला, क्योंकि उस समय जो नए साहित्य का संघर्ष था वो पूरे हिंदी अंचल में चल रहा था और छोटे छोटे शहरों में चल रहा था, और इसलिए छोटे छोटे शहरों की एक दूसरे के प्रति बड़ी मार्मिक सी सहचारिता थी। तो संभवतः लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि ये नए नए लोग हैं और ये सागर जैसी जगह में जो कि उस समय नई कविता के विरोध का केंद्र नंदुलारे जी की वजह से समझा जाता था वहाँ अगर हो रहा है तो इसको इसके साथ सहयोग करना चाहिए। तो वो दो पत्रिकाएं दो अंक हमने निकाले। जब मैं बीए में छात्र हुआ, असल में मैंने हिंदी नवी कक्षा के बाद पढ़ी नहीं, तो मैं हिंदी का कभी वैध छात्र नहीं रहा। तो उसके बाद जब बीए में मैंने इतिहास, संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ी, तो अब ये जो नई वृत्ति थी इसको किसी तरह से नाटकीय ढंग से विश्वविद्यालय के परिसर में अवस्थित करने के की गरज से हम लोगों ने एक संस्था बनाई रचना, और उसका निमंत्रण जो था वो अंग्रेजी में छपता था कि फोरम ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और उसमें कुछ फ्रेंच शब्दों इत्यादि का भी प्रयोग था। ये सब हिंदी विभाग को चढ़ाने के लिए था एक तरह से। तो इस रचना के अंतर्गत कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि अज्ञेय का इसमें एक व्याख्यान हुआ, वो आए हमारे विश्वविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन कर। उस दौरान कवि कर्म माध्यम और मर्यादा उनके आत्मने पद निबंध संग्रह में वो निबंध रही व्याख्यान दिया। दूसरा
सागर विश्वविद्यालय से बहुत सारे मध्य प्रदेश के महाविद्यालय संबद्ध थे, जिनमें राजनाथ गांव का दिग्विजय महाविद्यालय भी संबद्ध था। और उस महाविद्यालय की ओर से दो प्रतिनिधि सागर विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य, उनमें से एक गजानन माधव मुक्ति बोर्ड, तो वर्ष में एक बार कोर्ट की मीटिंग होती थी तो वो उसमें आते थे, तो उनसे परिचय हुआ। उन्होंने अपना प्रसिद्ध नई कविता का आत्म संघर्ष निबंध व्याख्यान के रूप में इसी रचना में दिया। बाद में जो बड़े रंगकर्मी बन गए सत्यदेव दुबे, वो उन दिनों वहाँ छात्र, और वो शेक्सपियर को बड़े नाटकीय ढंग से पढ़ते सुनाते थे। और उन दिनों एक विचित्र ध्रुवीकरण जैसा आप कह लें हो गया था। ऐसा माना जाता था कि हिंदी विभाग हमारा विरोधी है, और श्यामाचरण दुबे जो कि तत्व शास्त्र के प्रोफेसर थे और उसके विभाग के अध्यक्ष थे, दया कृष्ण जो दर्शन के विभाग में थे और इतिहास में एक और सज्जन थे, ये सब हमारे समर्थक, यानी हम लोगों को बढ़ावा देते थे हमारे आयोजन में भाग। उन दिनों रजनीश भी वहाँ थे, वो भी पढ़ाते थे, और उनका ये जो दूध था तब तक तो इतना स्फुटित नहीं हुआ था, उसका कोई संदेह नहीं था कि वो इतने बड़े गुरु होने वाले हैं, तो बहरहाल वो थे। एक जो दिलचस्प घटना इस बीच घटी वो था 1957 में इलाहाबाद का साहित्यकार सम्मेलन, तो बहुत बड़ा साहित्यकार सम्मेलन था, अमृत राय, बालकृष्ण राव, मार्कंडे, कमलेश्वर आदि ने मिलकर आयोजित किया। तो उसमें मुझे भी निमंत्रण आया, मेरी उम्र 17 बरस, मैं तो सागर से कभी बाहर गया ही नहीं था, तो इसलिए इलाहाबाद अकेले जाऊं इसका को लेकर मेरे पिता बहुत उत्साहित नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि नंदुलारी वाजपेयी भी उसमें आमंत्रित थे, और हमारे पिता के वो रिश्तेदार भी थे, मेरे भाई थे। हमारे पिता अक्सर अपने दफ्तर से लौटते हुए उनके घर रुकते थे, चाय वाय पी के घर आते। तो जिस दिन मुझे निमंत्रण मिला था और उस दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे इलाहाबाद जाना है, उसी दिन उन्होंने जिक्र कर दिया, अरे वो उसको मेरे बेटे को भी निमंत्रण आया है। तो नंदुलारे जी के दो बड़े हट शिष्य, एक गंगाधर झा और एक प्रेम शंकर, जो नए साहित्य पर भी कुछ कुछ लिखते रहते थे। तो नंदुलारे जी बोला कि हमारे इन शिष्यों को तो आया नहीं है, उन्होंने लंबाड़ी कहा कि बीए के छात्र को निमंत्रण आ गया है, तो वो खुद नहीं गए। अब बहरहाल मैं गया, वहां मेरी पहली बार बहुत सारे और लेखकों से मुलाकात, जिनमें श्रीकांत जी से तो मुलाकात पहले हो चुकी थी, लेकिन नरेश मेहता, जय देवनारायण साही, महादेवी, अजय प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, रेणु, आई मीन वो बहुत बड़ा सम्मेलन था। और तो एक तरह से जिसको आप कहें साहित्य की जो सार्वजनिकता है, जो उसका उसका जो सामाजिक विस्तार है, उसमें भी मेरी कुछ घुसपैठ हो गई थी तब तक। उन दिनों जो पत्रिकाएं निकलती थी उनमें कल्पना उन्हीं दिनों शुरू हुई थी, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता के संपादन में कृति, ज्ञानोदय, सुप्रभात, नया समाज, युग चेतना इत्यादि, राष्ट्रवाणी, बहुत सारी पत्रिकाएं। सर मेरा
सवाल यह है कि आप, मैं फिर वही बात पूछूंगा, आपकी बातचीत से यह पता चलता है और जो आपका लेखन है और जो हमारे जैसे साहित्य के जितने भी छात्र हैं, मैं छात्र ही कहूंगा, जो पढ़ते हैं उनको पता है कि अशोक वाजपेयी जी बतौर कवि, बतौर कलाविद, बतौर आलोचक, बतौर संपादक, बतौर चिंतक बहुत स्थापित हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने पूरा जीवन बतौर प्रशासनिक अधिकारी जिया और साथ के साथ आपकी साहित्यिक पहचान भी बड़ी बनती रही, दोनों में आपने किसको एंजॉय किया ज्यादा? असल में देखिए, मैं शुरू में जब ये मैं 2 बरस अध्यापक था दिल्ली में जी, IAS में दाखिला लेने के पहले, और मैं भेजा गया सागर से दिल्ली इसीलिए था कि मैं वहाँ सिविल सेवा में आने की आवश्यक तैयारी करूँ, लेकिन मेरा मन साहित्य में, कलाओं में इतना रमता था कि मैंने उसी कोई खास तैयारी वैयारी नहीं की। पहले साल पहली बार तो 2 ही मौके मिलते थे इन दोनों आयु के हिसाब से, तो जो पहला मौका था वो मैंने गवा दिया, घर में कह दिया कि नहीं मैंने आया नहीं, लेकिन वो मार्कशीट घर पहुंच गई जिसमें अनुपस्थिति दर्ज थी, तो बहरहाल पिताजी ने डांट वाट लगाई। अब दूसरा जो मौका आया, उस समय मैं 2 साल अंग्रेजी का अध्यापन कर चुका और मुझे वो अच्छा लग रहा था, प्रशासन में जाएंगे तो बहुत ही सूखा मामला है और शायद उसमें रहूंगा तो मेरे जो असली आकांक्षा है लेखक बने रहने बनने की वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो मैं एक तरह से उसके प्रति अन्य मनस्क ही था। इस बीच हुआ ये कि उनकी बोध बहुत ही भयानक रूप से बीमार हुए और उनको इलाज के लिए यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में लाया गया और लगभग 3 महीने वो अचेत वहां रहे, तो मेरा बहुत सारा वक्त वहां जाने में, वहां बिताने में लगता था। तो फिर उनकी मृत्यु हो गई 11 सितंबर को और 3 अक्टूबर से हमारे IAS के इम्तहान होना, ये तय हुआ कि तिबोध का परिवार क्योंकि पूरा लगभग यही था कि उनका जो अंतिम संस्कार के बाद जो तेरहवीं वगैरह होती वो भी यही, तो वो 24 या 25 सितंबर को यहाँ से परिवार राजनांदगांव गया, तब तक हम लोग नहीं थे, देखभाल में लगे थे, तो मैंने बिल्कुल ही तैयारी नहीं, और बहुत ही मुक्त भाव से और इस पूरे विश्वास के साथ मैं परीक्षा में बैठा था कि मैं नहीं आऊंगा। अब दैव दुर्विपाक से आ गया, जब आ गया तो फिर मैंने अपने पिता से कहा कि मैं आ तो क्या, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझसे पूछा कि तुम कॉलेज में हो, कॉलेज के ड्राइंग उसमें स्टाफ रूम में कभी बैठते हो, कहाँ बैठते हैं, कहाँ वहाँ क्या बौद्धिक चर्चा होती है, मुझे कोई बौद्धिक चर्चा याद ही नहीं है क्योंकि बौद्धिक चर्चा तो होती नहीं थी, चर्चा होती थी कि इंक्रीमेंट मिला कि नहीं मिला, डीएड ने सलाम उसका सेंक्शन होगा और उसका पदोन्नति हुई कि नहीं हुई, प्रिंसिपल के साथ इसका क्या संबंध है कि नहीं है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जी जन तुम तय करो कि तुमको अकादमिक ही रहना है, तो जाके देख लो 1-2 बरस, नहीं बने तो इस्तीफा दे दो और फिर तुम्हारा रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, तुमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तुम ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज जाके फायदे से पढ़ना, PhD है ना, अच्छा पढ़ना। तो ये इस दबाव में मैं चला गया और शुरू में तो मुझे काफ़ी इसको लेकर थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया कि उसमें
संस्कृति के लिए कुछ करने की संभावना है, अगर कोशिश की जाए तो उसकी जगह बन सके। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने प्रशासन का उपयोग इस अर्थ में संस्कृत के लिए करने की चेष्टा की कि उसमें एक कि उसके लिए जो सार्वजनिक साधन जरूरी है संस्कृति के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, साहित्य और कलाओं के स्वादन के लिए जो साधन अवसर उपकरण जरूरी है, उनको उपलब्ध करने के लिए राज्य को विवश किया जाए। और चूंकि मैं ये ऐसा क्षेत्र था जिसमें आम प्रशासनिक अधिकारियों की कोई दिलचस्पी नहीं होती, लोग बड़े बड़े बजट वाले विभाग जो होते हैं, आर्थिक विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, इत्यादि इत्यादि, इन विभागों में जाना चाहते हैं इनके। और मैं बहुत ही छोटे पिछड़े जिलों में कलेक्ट्री की मैंने, तो वहाँ भी पहले बहुत कम लोग जाना चाहते थे, बल्कि पहली मेरी पोस्टिंग सीधी की हुई तो जो उस समय के मुख्य सचिव थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम 10-12 दिन और छुट्टी बढ़ा दो, तुम कहाँ जाओगे, सीधी तो बहुत पिछड़ा इलाका है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो तो तुम्हारे लिए कोई बेहतर जिला खोजेंगे। और मैंने इसरार करके कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर क्या, जब मैं आदेश लेने गया तो उपसचिव ने कहा कि सचिव ने कहा है कि एक बार फिर से उससे कहना कि सोच दे। और मैं जिद करके, और वहीं संयोग ये हुआ कि मेरी मुलाकात अर्जुन सिंह से हुई जो वहीं के रहने वाले थे, हालांकि वो वहाँ विधायक, वहाँ से विधायक नहीं थे, विधायक शहडोल जिले से। तो उनसे फिर परिचय हुआ और उस परिचय का एक हिस्सा ये था कि मैं उनको, वो बहुत कम बोलते थे और मैं जैसा कि इस बातचीत से ही प्रकट है बातूनी था, तो मैं बोलता था और मैं उनसे बार बार ये कहता था अगर राज्य की जिम्मेदारी शिक्षा में है, वाणिज्य में है, कृषि में है, सिंचाई में है, तो संस्कृति में क्यों नहीं। तो कहते कुछ नहीं। तो हुआ ये किस्सा होता कि मैं कलेक्ट्री का चक्र पूरा करके जब वापस भोपाल पदस्थ हुआ उप सचिव के रूप में, तो जिस तारीख को मैंने अपना कार्यभार संभाला उसके 5 दिन बाद अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री के रूप में आए। फिर उन्होंने मुझे बुलाकर कहा आप मुझे बहुत उपदेश देते थे कि संस्कृति के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए ये भी आप तय करें और आप ही करें। उससे वो एक एक तरह की शुरुआत हुई। तो लेकिन ये भी इसका मतलब भारत भारत भवन तो वो तो बना 82 में, 10 बरस तक उसके लिए एक तरह की दूसरे किस्म की तैयारी होती रही, दूसरे तरह के आयोजन बहुत हुए भोपाल में। तो एक एक तरह से ये जो हाशिए पर रहना था यानी प्रशासन की दृष्टि से उसने ये मदद की कि आप ये कर जाए, क्योंकि किसी और की इसको करने में दिलचस्पी नहीं। आपके जीवन में प्रेम पहली बार कब आया? पहली बार तो आया जब मैं छात्र था, तो मेरी एक सहपाठी थी उनके साथ प्रेम संबंध बना, लेकिन फिर वो क्योंकि वो 5-6 महीने का हो पाया और मैं चला गया दिल्ली, तो वहीं रह गई, तो इसलिए वो आगे तो बढ़ा नहीं। फिर उनका कोई दूसरा संबंध भी हो गया और एक तरह से मुक्तिबोध की जो बीमारी थी उसने एक ऐसा अवसर दिया
सुबोध के परिवार से नेमीचंद्र जैन और रेखा जैन के परिवार का बहुत घनिष्ठ संपर्क, और देखभाल की जो अस्पताल में उनके देखभाल की, उनके परिवार की देखभाल मुख्य जिम्मेदारी वही लोग निभा रहे थे। उस दौरान उनकी बेटी जो दत्तक की नर्तकी भी थी, लक्ष्मी से मेरा परिचय हुआ, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गया और बाद में फिर विवाह संबंध में बदल गया। तो एक तो ये, दूसरा ये कि असल में जिसको आप कहें आपके पैशन या विजन का केंद्र क्या होता, वो तो कविता और कलाएं ही थी। आलोचक भी मैं धक्के से बन गया। कविता की आप ही की एक कविता है, उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई, गुहार कर अलग रख दिया तारों को, सूर्य चंद्रमा को रख दिया एक तरफ, वनलताओं को हटाया, उसने पृथ्वी को झाड़ा पोछा और आकाश की तहें ठीक की, उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई। आपकी बातचीत से लग रहा है कि आपने बहुत संजोया है प्रेम को। देखिए, यूं भी देखा जाए, अगर आप संसार में किसी भी काव्य परंपरा में दो अनिवार्य ध्रुवांत हैं, प्रेम और मृत्यु, और आप ऐसे किसी बड़े कवि की कल्पना नहीं कर सकते, हालांकि उसके अपवाद हैं, जो प्रेम और मृत्यु के इन दो ध्रुवांतों को अपनी कविता में संबोधित न करते। अब चूंकि उस जमाने में प्रेम कविता लिखना एक तरह का सामाजिक यथार्थ से दूर जाना माना जाता था, और ये माना जाता था कि क्या है प्रेम वगैरह, ये तो समय संसार समाज में ये हो रहा है, ये असमानता है, क्षमता है, बेरोजगारी है, गरीबी है वगैरह वगैरह, शोषण है, दमन है, इसकी चिंता ना करके प्रेम की चिंता करना, स्त्री पुरुष प्रेम की चिंता करना, ये बिल्कुल मार्गविलास है इत्यादि। तो मैंने उसको इस अतिरिक्त और व्यक्तित्व और निजताहीन सामाजिकता के प्रतिरोध के रूप में लिया, और इस तरह का एक परिसर बनाने की कोशिश की जो से आप कहें एक तरह का सनातन परिसर है वो, यानी पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, ये कोई मतलब ऐसे नहीं है जिनको आप सीधे सीधे पहचान सकते, एक तरफ। दूसरी तरफ इसकी ओर ध्यान कम दिया गया, जब प्रेम कविताओं को लेकर लांछन बहुत होता रहा, लेकिन इस पर ध्यान कम दिया गया, तो मैंने मृत्यु और अनुपस्थिति पर भी उतनी ही कविताएं, उससे अधिक कविताएं। तो ये ओर से आप कोशिश करते हैं तरह तरह की चीजें करने की, लेकिन किसको क्या सुहाता है और किसके ध्यान में क्या अटक के रह जाता है ये कहना मुश्किल है। आपको कलावादी शायद इसीलिए कहा जाता है, वो मुझे लगता है कि संस्कृति की जगह आपकी प्रेम कविताओं और आपके मन की कोमलता ने आपको कलावादी बना दिया। देखिए, कलावादी अव्वल तो मैंने कहा है शुद्ध कलावाद हिंदी में कभी हुआ ही नहीं, और ये दुर्भाग्य है कि नहीं हुआ, होना चाहिए था। यानी अगर कलावाद से अर्थ ये है कला सिर्फ कला के लिए है और उसका और किसी से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा कलावाद तो हिंदी में हुआ ही नहीं और मुझमें भी नहीं। लेकिन बिना जीवन के कला संभव नहीं, यानी कला को भी होने के लिए जीवन चाहिए, उसकी अपरिमितता चाहिए, उसकी विपुलता चाहिए, उसकी विविधता, जटिलता, सूक्ष्मता चाहिए। इसलिए कलावादी शब्द का मतलब क्या है, और जिनको जिनको तथाकथित समाजवादी या जनवादी इत्यादि कहा जाता है, उनकी कविता में उनकी कविता भी जनता के बीच कितनी है,
यानी अगर उसको एक आप बड़े सामाजिक, बल्कि मैं तो इसको ध्यान दिलाता रहा कि जब से कविता ने समाज समाज चिल्लाना शुरू किया तब से समाज उससे अलग होना शुरू। आप देखें कि हिंदी की सबसे लोकप्रिय कविता एक जमाने में भक्ति का भी थी और रीति का भी था। हमने अपने विश्वविद्यालय से एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें एक अंग्रेज सेनापति ने अपने भारतीय और उत्तर भारतीय सैनिकों द्वारा गाई जाने वाली कविताओं को संकलित किया और ये 19वीं सदी में किया। वो संकलन जो है उसमें जो कविताएं हैं वो तुलसी कबीर सूर के अलावा अनेक वीतकालीन कवियों की कविताएं, पूरे के पूरे पद इन सैनिकों को जुबानी याद थे और उनसे सुन सुन कर उस अंग्रेज ने लिखे। तो इससे अधिक जनप्रियता लोकप्रियता क्या हो सकती है? तो ये बहुत सारे भ्रम है। फिर एक जमाने में मैंने ये भी कहा था कि मैंने चूंकि हिंदी में मुझसे ज्यादा कलाओं में दिलचस्पी किसी ने ली नहीं, यानी उस अर्थ में नहीं ली, ये नहीं कि कलाविद नहीं थे, कला के रसिक बहुत सारे लोग होंगे, राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, निराला, बाद में अगे, शमशेर भी, ये सब कला प्रेमी लोग, लेकिन ये कलावादी इसलिए नहीं कहे गए कि इन्होंने कलाओं के लिए कोई सामाजिक संस्थागत लगातार प्रयत्न नहीं किया जो मैंने किया। तो इसलिए मुझे कलावादी कहने लगे क्योंकि कोई और कला ध्यान नहीं देता, मैं ही देता हूँ, इसलिए कलावादी कहने। खैर, मुझे इसका कोई बहुत कभी देखिए किसी वाद का आज बिल्ला जी लगाना चाह, मुझे कोई शौक जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अशोक वाजपेयी साहित्य में राजनीति या राजनीति में साहित्य के सरोकारों को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में तो साहित्य की कोई जगह बची नहीं। राजनीति इतनी निरक्षर हो चुकी है सांस्कृतिक रूप से कि उसमें साहित्य की कोई जगह बची नहीं है। एक जमाना था जब संसद में बहसों के दौरान कवियों की पंक्तियां, कुछ शेर इत्यादि उद्धृत होते थे। अब इन जगहों पे कविता उद्धृत नहीं होती, गाली गलौज, झगड़ा, एक दूसरे पर तंज, व्यंग इत्यादि इत्यादि होता है। तो ये राजनीति आज की सत्ता कामी और सत्ताधारी राजनीति पूरी तरह से संस्कृतिहीन राजनीति और ये धीरे धीरे होता गया है, अचानक नहीं हुआ है, अब चरम पर है। दूसरी तरफ साहित्य में जो राजनीति है वो उसका इतिहास पुराना है, यानी अगर आप खड़ी बोली में ही लें तो शुरू से ही कुछ ना कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी एक तरह की हिंदी चाहते थे, उनका अपना एक मर्यादाओं के अंदर रहने का साह था। दूसरी ओर छायावाद एक मुक्त बंधन मुक्त प्रवृत्ति का प्रतिनिधि कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था। एक जमाने में तो इस स्तर पर थी, यानी सुरुचि और दृष्टि के, रुचि और दृष्टि के भेद की राजनीति। धीरे धीरे खासकर जब प्रगतिशील लेखक संघ बना 1936 में, तब एक विशेष किस्म की राजनैतिक रुझान के कारण साहित्यकारों को एकत्र करने, संगठित करने का एक प्रयत्न शुरू। उसके अच्छे बुरे नतीजे दोनों सामने हैं।
तो उसके विरोध का भी एक, जो लोग उससे असहमत थे तो का भी एक एक तरह की ये राजनीति बनना शुरू हुई, जो आज तक कमोबेश चल रही है। लेकिन इसमें फर्क करने की जरूरत ये है कि पहले विचारधारा के आधार पर साहित्य क्या मान्य होगा, साहित्य में क्या अमान्य होगा, ऐसा निर्णय नहीं होता था। आलोचक या रसिक या पाठक अपनी दृष्टि से, और उस दृष्टि में जितनी विचारधारा हो सो, लेकिन उसका इतना आग्रह नहीं होता। धीरे धीरे ये आग्रह इस कदर बढ़ गया, अगर आप हमारी विचारधारा या हमारे संगठन की नहीं है तो हम आपको पढ़ेंगे। आप शुरू से ही त्याज्य। तो ये पूरा, इसकी भी एक पूरी परंपरा है, अज्ञेय को खारिज करो, निर्मल वर्मा को खारिज करो, विद्यानिवास मिश्र को खारिज करो, क्योंकि इनके राजनीतिक रुझान आपके राजनीतिक रुझानों से नहीं मिलते या उसके विरोध में। इनमें से हर एक बड़ा लेखक उसको खारिज करके आपने क्या हासिल किया मैं नहीं जानता। दूसरी तरफ उसकी वजह से एक, यानी दोनों काम, विचारधारा ने अपने आकर्षण में बहुत सारे नए पाठक भी पैदा किए जो किसी विचारधारा से जुड़े होने के कारण उन लेखकों को पढ़ते हैं जिन लेखकों को वो समझते हैं कि उनकी विचारधारा के अनुरूप है, तो पाठकों का एक विस्तार भी। दूसरी तरफ पाठकों को इससे रोका भी गया, भाई इसको मत पढ़ो, अशोक वाजपेयी कलावादी, उसको क्या पढ़ना। तो ये दोनों तरह की चीजें हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा संभव नहीं था कि मैं संस्था बनाऊं, पत्रिकाएं निकालूं और साहित्य की राजनीति में शिरकत करने से बचा रहा, ये संभव ही नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने एक बार एक पूर्वग्रह का संपादकीय लिखा था, खुले खतरनाक बीच का पूर्वग्रह, जिसको आप आज दक्षिणपंथी कहते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ है, उस दक्षिणपंथ से मेरा हमेशा भी वैर रहा। मैंने कभी उसके किसी भी रूप का प्रत्यक्ष या परोक्ष कभी समर्थन नहीं किया, और पिछले करीब 20 वर्षों से तो मैं बहुत मुखर होकर उसका विरोध करता रहा हूं 2002 के गुजरात के दंगों के बाद से। लेकिन उसके पहले भी हमने इन संकीर्ण घृणावादी तत्वों को अपने परिसर से दूर रखा। उन्होंने कोई महत्वपूर्ण लेखक पैदा भी नहीं, दो चार लेखक उनमें शामिल हो गए हों अवसरवादिता के चलते, वो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा लेखक दक्षिण पंथ ने पैदा ही नहीं, दुनिया में पैदा किया है लेकिन यहां नहीं। हम बीच के लोग, हम इनके भी विरुद्ध थे और हम जनवादियों प्रगतिशीलों की अतिवादिता के भी विरुद्ध, लेकिन हम इनसे संवाद कर सकते, इनसे संघर्ष कर सकते, इनसे वाद विवाद में लग सकते, जो लगे। आप जानते ही हैं कि इनके बड़े भारी योद्धा और सेनापति नामवर सिंह से लगातार मैंने बहस की है, विवाद किया है, उनकी जो चूके हैं, बल्कि उनके ऊपर जब एक पत्रिका ने विशेषांक निकाला तो मैंने एक लेख ही लिखा, नामवर विफलताएं, जो मेरे हिसाब से उनकी विफलताएं हैं उसका मैंने, यद्यपि मेरी उनसे बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और आलोचना में लाने का, मुझे आलोचना लिखने की ओर प्रवृत्त करने का काम इन दो व्यक्तियों ने किया, उनमें एक नामवर सिंह थे दूसरे, लेकिन वो अलग बात। तो जो राजनीति है साहित्य की, वो एक अर्थ में स्वस्थ है,
क्योंकि उससे मूल्यों और दृष्टियों के संघर्ष की जमीन बनती है। दूसरी ओर उसका जो विकृत पक्ष है, जो नकारात्मक पक्ष है, वो ये है कि वो एक तरह से अपवर्जन करती है। और साहित्य का काम अपवर्जन करना नहीं। आप जिस विचार से असहमत हैं, उस विचार का अपवर्जन करने से वो विचार गायब तो नहीं हो जाएगा। दक्षिण पंथ से आपके नाराजगी की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या है, आज वो सत्ता में हैं, पिछले लगातार दो बार चुने गए और अपने ढंग से वे लोग संस्कृति को लिखने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि किताबों में, इतिहास में गलत चीजें पढ़ाई गई, गलत चीजें जानबूझकर रखी गई, शिक्षा से लेके सभ्यता और संस्कृति को वो नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आज सत्ता उनके हाथों में है, जिनको आप दक्षिण पंथ कह रहे हैं। तो आखिर इस देश को और इस देश की सभ्यता और संस्कृति को, जिसकी बात आप कर रहे हैं या आप यहाँ बीच में हैं, वामपंथ समाप्त हो चुका है, दक्षिण पंथ आज शासक है और अपने तरह से वह चीजों की व्याख्या कर रहा है, आप इन दोनों स्थितियों में साहित्य और भारतीय समाज और संस्कृति को कहां देखते हैं? देखिए, एक तो सत्ता में आ जाने के बाद आप ने जो रुख अपनाया है, मेरे हिसाब से मैं तीन चीजों का जिक्र करूंगा। एक, भारतीय परंपरा, जिसका ढोल दक्षिण पंथ पीटता है, उस परंपरा की बहुत ही सतही समझ उसके पास है। ये परंपरा अगर वेदों से माने तो बहुलता की, प्रश्नवाचकता की, विवाद की, असहमति की परंपरा। अगर ऐसा न हो, ये वेद से शुरू होता, ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में ऋषि कहता है कि ये जो पहले वर्णन करता है सृष्टि का, फिर कहता है जब न उपस्थिति थी न अनुपस्थिति थी, न प्रकाश था न अंधकार था, न था न न था, तब क्या था? पहले कहता है कि हो सकता है जिसने इस जिस विधाता ने ये सृष्टि रची है उसको पता, और फिर जोड़ता है कि हो सकता है उसको भी पता। ऋग्वेद में कहा गया, मैं नहीं कह रहा, ऋग्वेद में प्रश्न पूछा जा रहा है, कस्मै देवाय हविषा, हम किस देवता को हविष अर्पित करें, तय नहीं है। और आप देखें इस परंपरा में वेद चार हैं, उपनिषद 18 हैं, पुराण पता नहीं कितने हैं, महाकाव्य 2 हैं, षड दर्शन हैं, जिनमें अधिकांश का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। और फिर आगे जाकर 3 नए धर्म पैदा होते हैं, बौद्ध, जैन और सिख, तीनों असहमति के धर्म हैं। अगर हिंदू धर्म ही इतना सर्व संतोषी था तो ये 3 धर्म कहां से आ गए? तो एक बहुलता, प्रश्नवाचकता, हमारा तो नचिकेता मृत यम से प्रश्न करने जाता है, और हमारे सारे महान ग्रंथ, जिनमें आप महाकाव्य, रामायण भी प्रश्न ग्रंथ है और महाभारत भी प्रश्न ग्रंथ है, उसमें कितने प्रश्न पूछे गए, आचरण को लेकर, नीति को लेकर, धर्म को लेकर, लक्ष्य को लेकर, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो एक पूरी परंपरा ये है। इसमें फिर भक्ति काव्य आता है, बाकी काव्य आते हैं। आप इस परंपरा को किस रूप में दोबारा से परिभाषित कर रहे हैं? किसने किया है, जरा मुझे बताइए, कौन सा विद्वान है?
हमारे यहाँ किसी ग्रंथ को स्वायत्त करने की एक परंपरा है। परंपरा यह है कि आप उसका एक भाष्य लिखें, गीता के भाष्य आप जानते हैं इतने सारे लिखे गए, गांधी से लेकर विनोबा भावे तक लिखे गए। अब किसी दक्षिणपंथी विद्वान ने गीता का कोई भाष्य लिखा है? किसी दक्षिणपंथी विद्वान ने रामायण या महाभारत की कोई नई व्याख्या लिखी है? किसी दक्षिणपंथी विद्वान ने षट दर्शनों के बारे में कुछ लिखा है? ये अपण है, ये अपण दक्षिण पंथ है, ये चल ही इसलिए नहीं, वाम पंथ इसलिए कि वो पढ़ा लिखा है, उससे बहस की जा सकती। ये नहीं कि वामपंथ ने अतिचार नहीं किए, उस अतिचार को आप दूसरे अतिचार से ठीक नहीं कर सकते, उनके दुर्व्याख्या को आप अव्याख्या से सिद्ध नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों के बीच अंतर करना जरूरी है। फिर भी अगर इनमें से किसी, जब एक बार विदेश मंत्री थी वो क्या नाम था उसका, सुषमा स्वराज, उन्होंने घोषणा की कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने उस समय टिप्पणी लिखी थी। भाई राष्ट्रीय ग्रंथ तो ठीक है, पहले इस गीता पर एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के किसी विद्वान का जिस देश में शास्त्रार्थ की एक सार्वजनिक परंपरा थी, ये हम उन बहुत थोड़ी सी सभ्यताओं में से हैं, ग्रीक सभ्यता के समकक्ष है इस मामले में, कि वहां शास्त्रार्थ की परंपरा, आप तो असहमति को देशद्रोह घोषित करते हैं, जो आपसे असहमत है वो देशद्रोही है, तो ये कैसी भारतीय परंपरा है? और तब एक मंदिर और एक देवता हमारा वो था, ब्रह्मन के अलावा हमारे तो 33 करोड़ देवता थे, जबकि हमारी जनसंख्या ना रही होगी उस देव संख्या के मुकाबले उतनी। तो हम एक बहुलतावादी देश है, इसको आप मिटा नहीं सकते, कर लीजिए कोशिश, भर लीजिए जेलों में जिनको भर सकते हैं। आज अज्ञान शिखर पर, शिखर से बोलता है। कबीर के मगहर में जाकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहां कबीर बैठकर गोरखनाथ और नानक के साथ संवाद करते, 200 साल पहले 200 साल बाद। ऐसे ये कभी हुआ है? जो तो इसके ये नहीं है कि मेरा कोई उनको लेकर आए, हम सो शास्त्रार्थ करने को तैयार है, हम जितना जानते हैं उसके आधार, तो हमसे ज्यादा जानते हैं ऐसा संदेह मुझे नहीं है, लेकिन है तो आए, कौन है? तो अंततः देश कहां जाएगा, साहित्य कहां बचेगा, क्या बचा रहेगा, आप ये मानते हैं? देखिए साहित्य के अंत की तो बहुत घोषणाएं होती रही, आपको याद होगा ऑशविट्स, जिसमें 30 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, और जो नाक्सी बर्बरता का एक बड़ा प्रतीक बन गया था, उसके बारे में अडोर्नो ने कहा था, आफ्टर ऑशविट्स पोएट्री इज नॉट पॉसिबल, यानी इतने भयानक नरसंहार के बाद कविता संभव नहीं, लेकिन कविता संभव हुई। तो साहित्य या कलाएं मनुष्य की अब स्वाभाविक वृत्तियां, सभ्यता की स्वाभाविक वृत्तियां, ये समाप्त नहीं हो सकती, और ऐसा वक्त हमेशा रहेगा। देखिए हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, प्रतिरोध का काम साहित्य
का आज उस पर हम इसरार करते हैं। क्या भक्ति काव्य में प्रतिरोध नहीं था? कबीर ने स्तर पर बनारस में रह के जो दो धर्म व्यवस्थाएं एक दूसरे खड़ी थी उनका प्रतिरोध किया। तुलसीदास ने क्या किया? तुलसीदास ने राम राज्य के रूप में एक वैकल्पिक सत्ता की कल्पना की, ये भी प्रतिरोध। तो अगर हम प्रतिरोध को ही देखना शुरू करें तो प्रतिरोध की भी बहुत लंबी परंपरा है, और अगर वो प्रतिरोध तब था कितने वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, तो अब वो मर जाएगा, ऐसा तो मानने का कोई कारण नहीं। मैं बहुत सारे नए साधन, नई टेक्नोलॉजी पैदा हो गई है, इसने बहुत इस तरह के संशय पैदा किए हैं, इस तरह की आशंका है कि साहित्य नहीं रहेगा। बहुत कहा जाता था कि जब ये इंटरनेट वगैरह आ गया और कंप्यूटर आ गया और ई बुक्स हो गई तो पुस्तकें नहीं रहेंगी। मैं इन घोषणाओं के बाद गया हूँ लंदन और पेरिस और न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की पुस्तकों की दुकानों में, वहाँ अपार भीड़ होती है, क्यू लगा होता है फॉइल्स में, सौ सौ लोगों का किताबों का बिल चुकाने के लिए। कहाँ ऐसा सब गायब हो सकता है, रूप बदल जाए, हो सकता है कि आखिर ये कंप्यूटर भी तो पुस्तक का ही एक रूप है। हम जो आप बात कर रहे हैं ये सब भी तो एक पुस्तकाकार ही है, तो इसलिए मैं इतना जी, आप क्या लिख रहे हैं और अपनी कुछ ताजा कविताएं, क्योंकि आपने आपकी प्रतिरोध की कविताएं पिछले 4-5 सालों में आपने जो लिखी हैं उन पर एक संकलन पिछले साल आया था, तो कोई नई कविता सुनाएं और बताएं। हाँ, असल में मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। एक तो साप्ताहिक स्तंभ लिखना होता है तो मैं लिखता हूँ कभी कभार, तो संभवतः हिंदी का सबसे लंबा चल रहा अबाध चल रहा साप्ताहिक स्तंभ है। मैंने उसको 1997 में लिखना शुरू किया, 24 वर्ष पूरे कर रहा है, तो हर हफ्ते 3-4 पृष्ठ लिखना होते हैं, और अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि टिप्पणी जो अभी हो रहा है उस पर, जैसे आज ही लिखना मैंने शुरू किया, मैंने राजनीति और गुंडागर्दी पर लिखना शुरू किया, कितने गुंडे राजनीति में कहाँ से घुस गए और क्यों घुस गए, और अभी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकार लगाई है राज्य सरकारों को, राजनीतिक दलों को, कि उन्होंने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के निर्देश का पालन नहीं किया है, और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया है। कांग्रेस पे भी किया है, भाजपा पे भी किया है, और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी पे तो 5-5 लाख का किया कि उन्होंने ये नहीं किया। तो अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार गई है, पहले ही क्या आप ये करिए, तो ये क्या हालत है कि हम इस तरह के गुंडे घुस गए हैं राजनीति में, क्यों घुस गए हैं? और साहित्य में भी गुंडागर्दी हो रही है, ऐसे लोग हैं जो समूह बनाकर इसके उसके ऊपर भी जब उछाल क्या दोपहर, तो वो भी फिर एक चित्रकार थे राजेंद्र धवन, उनके उन पर मैंने अभी टिप्पणी कल ही लिखी है, अंग्रेजी में लिखी है, और कविताएं तो मैं अभी आपको जो इधर और क्या करें, कभी क्या करेगा, कभी मैं ही लिखेगा, हालांकि कई बार लगता है कि बहुत हो गया, आओ दूसरों लौट चले, अभी इस नगरी में रात हुई, लिखी तो ये जुलाई में गई थी, शीर्षक है कितना ही बचा है। एक खिड़की जिससे देखता हूँ वृक्षों की हरितिमा के ऊपर छाया बदराया आकाश, उसी खिड़की के नीचे बारिश से बचकर बैठा हुआ कबूतरों का एक जोड़ा, अपने हाल ही में दिवंगत भाई के हंसते चेहरे की याद, गलियारे में कचरा बटोरने वाले की गुहार, कितना ही बचा। आत्मा जैसे अपनी ही जासूसी से छिप रही है,
आत्मा जैसे बारिश से भींग कर भारी हो गया बोरा है, जो खाली है और भारी है। आत्मा जो तनखजूरे की तरह सैकड़ों पैरों से रेंग रही है। आत्मा इसमें इतना अंधेरा भर गया है कि रोशनी का सपना देखने में भी हिचक होती है, इतना ही बचा है। घर बंदी अघोषित नजरबंदी है, और क्या दर्ज कर सकती है कविता ऐसे निर्जन उस समय में। तीसरी मंजिल की खिड़की से नाम की हरियाली और कुछ फूल नजर तो आते हैं, पुस्तकों पर जमीन फूल हटाए नहीं हटती, इतना ही बचा है। इस अंगड़ खंगड़ को बसना बोरिया की तरह कविता में रखने के अलावा और चारा ही क्या है, इतना ही बचा है। और इतना भी बचना कम नहीं है, बोझा उठाकर पार जाने के लिए इतना ही बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। उम्मीद है साहित्य तक के श्रोताओं को बातें मुलाकातें में अशोक वाजपेयी जी से मुलाकात पसंद आई होगी। अगले हफ्ते मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ ठीक इसी समय आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें और देखते रहें साहित्य तक। नमस्कार।